नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किन्नौर टीवी। जिला किन्नौर प्रशासन द्वारा जिले को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आज एक नई पहल की गई, जिसके तहत आज जिला मुख्यालय रेकोंगपियो में ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन लगाई गई। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस मशीन के लग जाने से रेकोंगपियो में प्लास्टिक बोतलों का वैज्ञानिक ढंग से निपटान सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य शांता कुमार नेगी, पुलिस अधीक्षक एसआर राणा, उपमंडलाधिकारी कल्पा स्वाति डोगरा, विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान, व्यापार मंडल रेकोंगपियो के पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे। आज हमने उद्घाटन किया एसपी साहब और हमने जो हमारी एक पहली डिस्ट्रिक्ट में पहला प्लास्टिक शेल्टर प्लांट छोटा सा लगा है, ये बड़ा ही अच्छा जो एक इनिशिएटिव है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने लिया है। इसमें जो ये प्लास्टिक की बोतल इसमें इस मशीन में डालते हैं तो वो उसको 15 सेकंड में श्रेड करके उसका 80% वॉल्यूम जो है वो ख़त्म कर देती है और वो छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस करती है उसके, जिनको चाहे फिर सरकार जो है वो स्कीम में ले वापस ले सकती है जो 70 रुपये की है, या तो फिर उसको हम जो है आगे रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये जो श्रेड करके दिस इज 100%।